Welcome to Sarim Studio. Subscribe the channel and click the bell icon. असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप इन दिनों मुसलसल पूरे सीमांचल में घूम घूम करके सीमांचल के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ की बाढ़ की बदहाली पर तंज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे चुनो, मेरे विधायकों को जिताओ तो हम तुम्हें पैकेज देंगे। अरे ओवैसी साहब, पूरे बिहार में लड़ाई सिर्फ दो ताकतों के बीच में है, एक ताकत है मोदी और नीतीश की और एक ताकत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इन दो ताकतों के अलावा बिहार में जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनमें तेल नरेंद्र मोदी भरवा रहे हैं, यही सच्चाई है। किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार में ओवैसी साहब जाके वोट मांग रहे हैं? अच्छा, वो भी तेजस्वी के लिए ही वोट मांग रहे हैं? नहीं, वो जानते हो किसके लिए जाके वोट मांग रहे हैं? कहते हैं कोई उपेंद्र कुशवाहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाओ, हमने उससे गठबंधन किया है। और उससे गठबंधन में कौन शामिल है? मायावती जी। मायावती जी का परसों वाला वीडियो देखा है जिसमें वो लगातार कह रही है कि राज्यसभा और विधान परिषद में मैं भाजपा का साथ दूंगी। सुना है वो वीडियो? सुना है? हाँ, मायावती जी कह रही हैं कि मैं भाजपा का साथ दूंगी। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है कि आप जो करेंगे वो कारनामा, और असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों की आवाज, मजलूमों के हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जब आगे बढ़ता है सियासी नुमाइंदगी के लिए तो आप मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं, आप गले मिलते हैं खुलम खुला, और मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो आपको तकलीफ हो जाती। जब तक इंसाफ नहीं होगा, नफरतों का खात्मा नहीं होगा। याद रखो कांग्रेसियों, तुमको इंसाफ करना पड़ेगा मुझसे, तो फिर तुम्हारे पार्टी में जो चमचे हैं उन्होंने क्या क्या नहीं चूमा तुम्हारे माथे को, तुम्हारे कल्लों को, तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे पैर को चूमा, तुम्हारे घर के चौखट पर जाकर अपने सर को भी झुकाया तो तुमने इंसाफ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दिल में नफरत है। और ये उपेंद्र कुशवाहा बाबू तो पहले ही भाजपा की कैबिनेट में मंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके बीच में जाके कह रहे हैं कि मुसलमानों मुझे वोट दो। मुसलमानों में सीएनआरसी में मजलिस के अलावा कौन खड़ा था? अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि सीएनआरसी में कोई राजद का कार्यकर्ता नहीं खड़ा था, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं खड़ा था। इमरान प्रताप गढ़ी यहां खड़ा होकर के आपको चैलेंज करके कहता है कि आइए मुझसे बात करिए, मैं बताऊंगा कि मैं कहां कहां खड़ा था। अरे मैं खड़ा था शाहीन बाग में 90 साल की बिल्किस दादी के साथ, मैं खड़ा था गया के शांति बाग में, मैं खड़ा था पटना के सब्जी बाग में, मैं खड़ा था टोंक राजस्थान के मोती बाग में, मैं खड़ा था केरल के कन्नूर में, मैं खड़ा था आपके घर से हैदराबाद में 400 मीटर की दूरी पर जो कुली कुतुब शाह स्टेडियम है उसमें भी मैं खड़ा था, मैंने वहां सभा की थी। और उस सभा का इनाम आपने अपनी हुकूमत से मुझे क्या दिलवाया था बिहार वालों, आज बता रहा हूं आपसे। मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करवाया तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने। मेरा जुर्म उस मुकदमे में क्या लिखा गया है पता है आपको? ये लिखा गया है कि इमरान प्रताप गढ़ी ने हैदराबाद में ये खड़े होकर पूछा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है, ये जुर्म था मेरा। हाँ, मैं यहां खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूं असदुद्दीन साहब कि आप सीमांचल में कह रहे हैं कि मजलिस के कारकुन पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब हिंदुस्तान के हर शहर में शाहीन बाग थे, जब अररिया में भी एहतजाज हो रहा था, किशनगंज में भी हमारी माएं बहनें बैठी थी शाहीन बाग बना करके, तो मुझे जवाब दो कि आपके हैदराबाद में जब हमारी बहन बेटियां बुरके में निकल के एहतजाज कर रही थी तो आपके दोस्त केसीआर की पुलिस उन्हें उठा ले जाती थी थाने, और बुरका नशीन बहनों को 12-12 घंटे थाने में बिठा के उन्हें तब छोड़ा जाता था। आप सीमांचल में आके कह रहे हो कि एनआरसी का आंदोलन हमने किया? क्या हो वैसी साहब, मैं गया था आपके यहाँ तो मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया। मुझे योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में एक सभा करने के एवज में जानते हैं कितने करोड़ का जुर्माना मेरे ऊपर लगाया था? 1.4 करोड़ रुपए का।
योगी आदित्यनाथ ने 1.4 करोड़ रुपए का मुकदमा लगवाया। ओवैसी साहब के हैदराबाद पुलिस ने मेरे ऊपर कहा कि आपने ये क्यों कहा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग नहीं है, इसलिए आप पर भड़काऊ भाषण का इल्जाम है। और आप सीमांचल में आके लोगों से कह रहे हैं CA NRC, अरे CA NRC में जबरदस्ती क्रेडिट लेकर के वोट मत मांगिए। CA NRC में तो तेजस्वी भी खड़ा था, CA NRC में तो तेज प्रताप भी खड़ा था, CA NRC में राजघाट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 3 डिग्री टेम्परेचर में बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था। लेकिन वो NRC के नाम पर, CA के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप मांग रहे हैं। भोले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश मत करिए। सीमांचल के लोग भोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है, ये बिहारी हैं। एक बिहारी सब पर भारी। आए हो बिहार में ये कह रहे हो कि सीमांचल बाढ़ से तबाह है, तंज कर रहे हो सीमांचल की बदहाली पर, और ये कहते हो कि हमारे 2-2 विधायक जीत गए तो हम सीमांचल की तस्वीर बदल देंगे। अरे ओवैसी साहब, 2 विधायकों का जो बजट होगा साल का, वो बमुश्किल उनकी निधि होगी 2-3-4 करोड़ में आधा किलोमीटर रोड नहीं बनती है। सीमांचल की बदहाली दूर होगी जब 10 नवंबर को पटना की गद्दी पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो मैंने उनसे कहा है कि तेजस्वी साहब, कल मैंने हसनपुर में उनसे कहा कि आप बताइए, आप लोगों से वादा कर रहे हैं, नौजवानों से ये कह रहे हैं कि नौजवानों, अगर तुमने हमें वोट देके मुख्यमंत्री बनाया तो जो मैं पहली कलम से साइन